बीजेपी नेता के पेट्रोल पंप पर सेल्समैन से हुई 33 लाख रुपए की लूट में मंगलौर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने लूट में शामिल सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों से पुलिस ने लूटी गई रकम 33 लाख में से 23 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने लूट की योजना करीब 1 महीने पहले बनाई थी और योजना पर काम करते हुए वो लगातार पेट्रोल पंप पर निगरानी कर रहे थे। देखिए, बीती 10 जून को जो रिलायंस पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ लूट की गई थी, तो उस वारदात का आज हमारे द्वारा खुलासा किया गया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एक्यूज्ड जो थे, अभियुक्त थे, वो 6 अभियुक्त थे, जिसमें कि 4 अभियुक्तों द्वारा तो ये कारित की गई थी लूट 2 बाइकों में। वो 2 बाइकें हमारे द्वारा बरामद कर ली गई हैं। इसके अलावा इनसे 23,05,000 रुपये बरामद हुए हैं। इसमें एक जो पेट्रोल पंप पे काम करता था वो कर्मिक भी शामिल है। इनमें जो 3 अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कुछ आपराधिक इतिहास भी है, आपराधिक मामले भी पंजीकृत हैं, और भी उनमें आपराधिक मामले हो सकते हैं जिनकी की अभी विवेचना के दौरान तस्दीक किया जाएगा।